मैं आपको सिलाई सिखाने के लिए अपनी हर वीडियो में सिलाई और कटिंग के बारे में वो बताता हूँ, वो जानकारी देता हूँ जो आपको रियल में भी इतनी जल्दी नहीं मिल पाती। और मेरी हमेशा कोशिश रहती है आसान से आसान तरीके से कटिंग में सिलाई सिखाई जाए। तो आप इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखें और बिल्कुल लास्ट तक देखें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आज हम सीखेंगे शर्ट कमीज की सिलाई कैसे करते हैं। दोस्तों, मैंने इस शर्ट की सिलाई में सफेद धागे को यूज किया है ताकि आपको सिलाई अच्छे से दिखाई दे और आप अच्छे से समझ पाओ। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने इसी शर्ट की कटिंग, इस कमीज की कटिंग, कफ और कॉलर की कटिंग और कैसे इन्हें प्रेस के साथ चिपकाएं, पट्टी को कैसे तैयार करें, ये सब वीडियो इसी चैनल पर अपलोड है। तो आप सभी वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देख लेते हैं तो आप शर्ट की कटिंग व स्टिचिंग बिल्कुल आराम से सीख सकते हैं। किसी भी तरह की सिलाई सीखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में इस बेल आइकन को दबा दे, प्लीज सब्सक्राइब कर ले। ये है हमारी शर्ट की दोनों फ्रंट पट्टी, ये है काज पट्टी और यह है बटन टेक, बटन वाली पट्टी। सबसे पहले हम इनको तैयार कर लेते हैं। मैं इस शर्ट को सफेद धागे से सील के दिखाऊंगा। बटन टेक पट्टी पर आधा इंच दूरी से सिलाई लगानी है, सिलाई बिल्कुल सीधी लगाएं। हमारी बटन टेक पट्टी वाली सिलाई लग गई है, देख सकते हैं सिलाई बिल्कुल सीधी है। अब अपनी काज वाली पट्टी के ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। ये सिलाई पट्टी के अकॉर्डिंग लगेगी, कितनी दूरी पे लगानी है पट्टी के अकॉर्डिंग। सिलाई सीखने के लिए वीडियो को ध्यान से देखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप वीडियो को ध्यान से नहीं देखोगे कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये हमारी काज वाली पट्टी पे भी सिलाई लग गई है। काज वाली पट्टी पर एक और सिलाई लगा लेते हैं, लब की सिलाई बिल्कुल किनारे से और बिल्कुल सीधी। देख सकते हैं सिलाई बिल्कुल सीधी है। अपनी शर्ट की पॉकेट लगा लेते हैं। पॉकेट कहाँ पे लगाना होगा, जो इस शर्ट की गोलाई खत्म होती है यहाँ पे पॉकेट लगती है, लगभग यहाँ पे। पॉकेट लगाते समय ऊपर सिलाई के लिए आधा इंच छोड़ दे और 8.5 पे पॉकेट लगा देते हैं। फ्रंट पट्टी से साइड में 2.5 इंच की दूरी पे निशान लगाएं। अगर आपकी शर्ट कम चेस्ट की है तो आप 2 इंच 2.25 इंच पे भी लगा सकते हैं। अब अपनी पॉकेट लगाते हैं। ये है हमारी पॉकेट। तीनों तरफ आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़े निशान से बाहर और बाकी एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दे। सबसे पहले यहां से सिलाई लगा लेते हैं। आप डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। अब अपनी पॉकेट लगाते हैं। पॉकेट लगाते समय ध्यान रखें पॉकेट कहीं इधर उधर ना हो जाए। सबसे पहले ऊपर वाला निशान, साइड वाला निशान और नीचे वाला साइड वाला निशान, तीनों निशान को अच्छे से मिला के ही पॉकेट लगाएं। अपनी पॉकेट को बिल्कुल ध्यान से लगाना है, तीनों निशानों का ध्यान रखना है और बिल्कुल ध्यान से। जो हमारा शर्ट वाला कपड़ा है उसे हल्के हाथ से बिल्कुल थोड़ा सा अपनी तरफ खींच के रखें ताकि नीचे सलवट ना आए। बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएं, बिल्कुल ध्यान से सीधी सिलाई लगाएं। या आप सुई के साथ कच्चा करके पॉकेट को लगा सकते हैं, उसके बाद पक्की सिलाई लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी पॉकेट लग गई है। हमने पॉकेट लगा दी है, इसी तरह से आपने भी पॉकेट लगानी है, या फिर सुई के साथ हाथ से कच्चा करके आप पक्की सिलाई लगा दें। हाथ वाली सुई से कच्चा करके पॉकेट लगा सकते हैं। यह है हमारा बैक वाला हिस्सा। सिलाई के दौरान उल्टे सीधे का ध्यान रखें। ये हमारा सीधा हिस्सा है। अब अपना तीरा लगा लेते हैं। ये है हमारा तीरा। हम तीरे को सिंगल ही लगाएंगे क्योंकि डबल तीरे के लिए हमारे पास कपड़ा कम है। ये सीधा हिस्सा है, उल्टा नीचे की तरफ है और हमारे तीरे का ये सीधा हिस्सा है।
जो हमारे कपड़े के दोनों सीधे हिस्से हैं उनको बीच में रखें और तीरे का सेंटर भी मिला के चेक कर लें बैक वाले हिस्से के साथ। ये देखिए हमारे सेंटर बिल्कुल अच्छे से मिल रहे हैं और सिलाई लगा दें। सिलाई बिल्कुल सीधी लगाएं। हमारा तीरा अटैच हो गया है। इस तरह से आपने तीरा अटैच करना है। अब अपने फ्रंट वाले हिस्से को अटैच कर लेते हैं। यह है हमारा पॉकेट वाला हिस्सा। पॉकेट हमेशा लेफ्ट वाली साइड में लगती है, जिस साइड में हमारे काज होते हैं। तो पहले हम लेफ्ट वाला हिस्सा इस तरह से रखेंगे उल्टा करके और यहाँ पे मिलाएं और सिलाई लगा दें। अब अपना दूसरा फ्रंट वाला हिस्सा, इसे भी सीधा अंदर की तरफ, इसका भी सीधा अंदर की तरफ रखें और सिलाई लगा दें। हमारा तीरा बैक और फ्रंट चारों हिस्से हमारे एक साथ अटैच हो गए हैं। एक बार चेक कर ले, हमारा पॉकेट वाला हिस्सा जो काज पट्टी होती है वो लेफ्ट में होना चाहिए और बटन टेक राइट में। तो एक बार कंप्लीट अपना चेक कर ले। इसके बाद एक बार लगा लेते हैं हम इंटरलॉक, क्योंकि ये डबल तीरा नहीं है। ये देखिए मैंने यहाँ से प्रेस लगा दी है। जो अब ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे अच्छी फिनिशिंग आएगी। पहले साइड से जोड़ लेते हैं, अपनी शर्ट को साइड से जोड़ लेते हैं। साइड से जोड़ने से पहले एक बार फिटिंग वगैरह अपनी पैमाश वगैरह चेक कर ले। पैमाश करने के बाद साइड से सिलाई लगा दे अपने मार्जिन के अकॉर्डिंग। जो भी आपका मार्जिन है उसी के हिसाब से साइड में सिलाई लगा दे। एक साइड की सिलाई हमारी लग गई है, अब दूसरी साइड में भी इसी तरह से सिलाई लगाएं मार्जिन के अकॉर्डिंग। हमारी दोनों साइड से शर्ट जुड़ गई है। इस तरह से हमने दोनों साइड से अपनी शर्ट को जोड़ लेना है। अब एक बार शर्ट को इंटरलॉक ओवरलॉक लगा ले। ये देखिए हमारा इंटरलॉक लग गया है। अब हम ये कंधों वाली सिलाई लगा लेते हैं और तीरे वाली। ये आपकी मर्जी या कस्टमर के अकॉर्डिंग आप कैसी सिलाई लगाना चाहते हैं, लब की सिलाई या पैर की या डबल, वो आपकी मर्जी। मैं यहाँ पे लब की सिलाई लगा रहा हूँ। इस सिलाई को बिल्कुल आराम से सीधी सिलाई लगाए, क्योंकि ये सिलाई हमारी कंधों के ऊपर दिखाई देगी और बैक में तीरे के ऊपर, तो बिल्कुल सीधी सिलाई लगाए। ये हमारे बैक में तीरे के ऊपर भी सिलाई लग गई है। ये हमारी सिलाई लग गई है। इस तरह से आपने ये सिलाई लगानी है बिल्कुल सीधी साफ सुथरी। तो आप देख सकते हैं हमारी ये सिलाई कैसे लगी है, किस तरह से लगी है। आपने इसी तरह से सिलाई लगानी है। ये हमारी शर्ट की बॉडी अटैच हो गई है। अब हम इस शर्ट को नीचे से फोल्ड कर लेते हैं। नीचे से फोल्ड करने से पहले ऊपर से इस तरह से मिलाएं और दोनों फ्रंट पट्टी को, काज वाली और बटन वाली को, इस तरह से चेक कर ले कहीं छोटी बड़ी ना हो। ये बिल्कुल सेम है। अब मैं नीचे से फोल्ड कर देता हूँ। आप अगर पहली बार फोल्ड कर रहे हैं तो पहली बार एक कच्ची सिलाई लगा ले इस तरह से सिंगल फोल्ड करके, और दोबारा से एक बार और फोल्ड करके पक्की सिलाई लगा दे, आपको आसानी होगी। मैं एक बार नीचे से कंप्लीट फोल्ड कर लेता हूँ, आप देखते रहें। दोस्तों कटिंग या सिलाई सीखने के लिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ध्यान से नहीं देखते और बीच में से छोड़ देते हो तो कुछ ना कुछ ऐसा मिस हो जाता है जो बाद में आपको प्रॉब्लम आती है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और कंप्लीट देखें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि मैं हर वीडियो में जो भी समझाता हूँ बड़े अच्छे से समझाता हूँ। तो वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक ज़रूर देखें। हमारी शर्ट नीचे से फोल्ड हो गई है। इस तरह से आपने फोल्ड करनी है, बिल्कुल बराबर फोल्ड करें, नहीं तो अच्छी नहीं लगेगी। तो बिल्कुल बराबर फोल्ड करें। आप देख सकते हैं हमारी शर्ट नीचे से बिल्कुल बराबर फोल्ड हो गई है। ये है हमारी शर्ट की बाजू। यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी बाजू पट्टी तैयार कर लेते हैं। बाजू पट्टी 3-4 तरह से बनती है। मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल पट्टी लगा के दिखाऊंगा। यहाँ पर चाहिए हमें 1.25 से 1.5 इंच चौड़ी पट्टी, और जितनी हमारी पट्टी की लंबाई है दोनों की, यानी कि बाजू वाले कट की लंबाई है, इतनी लंबाई की दो पट्टी चाहिए। मैं इस कपड़े से दो पट्टी कटिंग कर लेता हूँ।
बिल्कुल सेम बराबर पट्टी काटें। यहाँ पे ध्यान रखना होगा, हमने पट्टी उल्टी साइड से लगानी शुरू करनी है। ये हमारी उल्टी साइड है। एक पट्टी को ले और उल्टी साइड से ही रख दे। ये भी उल्टी साइड, ये भी उल्टी साइड, या फिर निशान लगा ले और पैर की सिलाई लगा दे। यहाँ पट्टी के सेंटर में आने के बाद बिल्कुल धीरे धीरे हल्का हल्का अपनी तरफ कपड़ा खींच के रखे बाजू वाला, और धीरे धीरे घुमाए बिल्कुल एक एक टाका, ताकि नीचे सलवट ना पड़े, नहीं तो हमारी पट्टी अच्छी नहीं लगेगी, अच्छे से सेट नहीं होगी, अच्छे से सेट नहीं होगी। तो बिल्कुल धीरे धीरे घुमाएं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी सलवट नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी पट्टी अटैच हो गई है। अब दूसरी पट्टी लगा लेते हैं। सेम तरीके से पट्टी लगानी है। हमारी बाजू का एक साइड में कपड़ा कम है, पट्टी के एक साइड में ज़्यादा। देख सकते हैं ये जो कम वाली साइड है, अब दूसरी पट्टी कम वाली साइड से स्टार्ट होगी, या फिर उल्टे सीधे का ध्यान रखें, क्योंकि हमने पट्टी उल्टी साइड में रख के लगानी है। पट्टी को और बाजू को निशान लगा ले। ये हमारा उल्टा हिस्सा बाजू का, और ये पट्टी भी उल्टी रख दी है, उल्टी साइड से उल्टी साइड में लगानी है। सेम टू सेम पट्टी लगाए, जैसे ये लगाई है उसी तरह से पट्टी लगाए। आप पट्टी बनाते समय पहले कच्ची सिलाई लगाए, बाद में उसको पक्की कर दे। गोलाई में बिल्कुल धीरे धीरे अच्छे से घुमाए। ये हमारी दूसरी पट्टी भी अटैच हो गई है। इस तरह से आपने बाजू पट्टी अटैच करनी है। अब एक बार पट्टी को इस तरह से रख के और इसके ऊपर प्रेस मार ले, ताकि अच्छे से फोल्ड हो जाए, अच्छी फिनिशिंग आए, अच्छे से पट्टी अटैच हो जाए। ये देखिए मैंने इसके ऊपर प्रेस मार दी है। सिलाई से पहले प्रेस मारने से फिनिशिंग अच्छी आएगी। इसके बाद इस तरह से सीधा कर ले। ये हमारी शर्ट की सीधी साइड है। इस तरह से रखें और पट्टी को अंदर मोड़ ले। ये हमारी सिलाई पूरी कवर हो जानी चाहिए, और सिलाई लगाते दूसरे किनारे तक चले जाएं। गोलाई में बिल्कुल ध्यान से सिलाई लगाएं, कोई सलवट वगैरह ना आ जाए। पहली बार आप पट्टी लगाओ तो सिलाई कच्ची करके ही लगाएं, या फिर वैसे खराब कपड़े पे पट्टी कट करके पट्टी लगानी सीख ले। ये हमारी एक पट्टी रेडी हो गई है। इस तरह से आपने पट्टी बनानी है। आप देख सकते हैं कोई सलवट वगैरह नहीं है। दूसरी पट्टी को भी सेम तरीके से बनाएं। सिलाई सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और बिल्कुल ध्यान से, कोई भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल ध्यान से देखें। सिलाई सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये हमारी दूसरी पट्टी भी तैयार हो गई है। इस तरह से आपने पट्टी लगानी है। इस पट्टी के ऊपर एक एक सिलाई और लगा दे, या तो लबकी या फिर सेंटर से, ताकि ये पट्टी अच्छे से दबी रहे, अच्छे से सेट रहे। तो एक एक सिलाई दोनों पट्टी पे लगा दे। हमने दोनों पट्टी पर एक एक सिलाई लगा दी है, तो हमारी पट्टी बिल्कुल तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं पट्टी बिल्कुल साफ सुथरी है, कोई भी सलवट वगैरह नहीं है। अब इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर ले, बिल्कुल सीधा फोल्ड करें और पट्टी के दोनों सिरे मिलाए और पट्टी को सामने से मिला ले। और ये जो कोने में है, यहाँ पे इस तरह से एक टुक वाली सिलाई लगा दे, अच्छे से पक्की सिलाई लगा दे। अब दूसरी बाजू को भी इसी तरह से फोल्ड करें और पट्टी को मिलाए और एक टुक वाली सिलाई यहाँ भी लगा दे, बिल्कुल कोने में। हमारी दोनों पट्टी तैयार हो गई हैं। आप देख सकते हैं किसी भी पट्टी में कोई भी सलवट वगैरह नहीं है। अब हम अपनी बाजू की सिलाई लगा लेते हैं। बाजू को इस तरह से मोड़ ले उल्टी साइड से, और मार्जिन के अकॉर्डिंग सिलाई लगा दे। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करें, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। हमारी एक बाजू पर सिलाई लग गई है, अब दूसरी बाजू पर भी सेम सिलाई लगा दे। हमारी दोनों बाजू पर सिलाई लग गई है। हमारी दोनों बाजू तैयार हो गई है। अब हमें लगाना है इसके ऊपर इंटरलॉक। दोस्तों बाकी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में बताएं।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।